अंधेरी रात हो और बिजली ना हो, दिमाग में सवाल ही सवाल हो, आए मौजा पौधा तितली बंदर रियासी दादा का समंदर, छोटा छोटा और पिंच कच्ची, अंग्रेजी तो है आसान सच्ची, चूल्हा चावल चिड़िया चमचे, कीड़ा छत पर चलता कैसे। सोचते सोचते नींद जो आ जाए, सवालों के जवाब हम बताएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तालीम आबाद में खुशामदीद। आप सोच रहे होंगे तालीम आबाद क्या है। तालीम आबाद में हम कार्टून्स के जरिए पढ़ाई करते हैं। आप लोग तो घर पे बैठ के बहुत बोर हो रहे होंगे, है ना? लेकिन मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ। पूछें क्यों? भाई क्योंकि आज हम एक बहुत मजेदार कहानी सुनने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे नंबर वन के बारे में। वन यानी एक, और कहानी है पिंकी के दोस्त बर्कू के बारे में। तो आए देखते हैं। लेसन ऑब्जेक्टिव्स: Recognize the numeral for number 1 and its quantity. Say the number 1. Write 1 in numerals. Asbaq ke maqasid. Number 1 aur iski miqdar ki shanakht. Number 1 bolne ka tarika. Hintson mein 1 likhne ka tarika. आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे वन की। वन यानी के एक। ये है वन घर। इस घर में रहती है वन पिंकी। पिंकी के हैं वन अब्बू, वन अम्मी और वन भाई, वन दादा अब्बू, वन दादी अम्मी और साथ साथ पिंकी का बड़ा सा दोस्त वन बड़कू। ये है पिंकी की फैमिली। एक दिन बर्कू को बहुत भूख लगी। वो किचन पहुंचा तो देखा वन पिज्जा, वन बर्गर, वन कपकेक और वन आइसक्रीम। ये सब बर्कू मजे से खा गया और बड़ा होता गया। इतना बड़ा कि घर में पूरा भी ना आ सका और जब चलना शुरू किया तो तोड़ फोड़ शुरू कर दी। बाहर पहुंचा तो सब लोग उसे देख के डर गए, ये तो बहुत बड़ा है। अब जब बर्कू ने चलना शुरू किया तो शहर में जैसे जलजला आ गया। चलते चलते उसे नजर आया वन दरख और वो भी खा गया। आगे पहुंचा तो उसकी नजर एक और चीज पे पड़ी। ये तो पिंकी का घर है। सब बैठे अपना काम आराम से कर रहे थे। बड़कू ने जैसे ही घर उठाया तो घर के सारे लोग परेशान हो गए। बर्कू घर को हाथ में उठाए चलता चलता एक आइलैंड पहुंचा, जहां पे था वन ट्री यानी के एक दरख्त। बर्कू ने घर हाथ में उठाया
और उसे ले जाके दरख्त के पास फेंक दिया और घर टूट गया। अब घर के लोग बहुत ही परेशान थे। अब हम कहाँ जाएंगे, घर तो सारा टूट गया। इतने में लगी सबको भूख और अब्बू और जोजो मछली पकड़ने चले गए। बहुत मुश्किल के बाद आखिरकार वन मछली हाथ लगी। अब्बू और जोजो तो बहुत खुश हुए। जब मछली लेके वापस आए तो सब बहुत ही उदास थे। एक मछली सब कैसे खाएंगे। फिर मामा ने वन छुरी ली और उसके टुकड़े किए ताकि सब खा सके। खाने के बाद भी सब बहुत ही उदास थे। सबको अपने घर की याद आ रही थी, लेकिन पिंकी किसी और ही सोच में मसरूफ थी। फिर उसकी नजर वन ट्री पे पड़ी और उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर हम वन दरख्त को काटें तो उससे एक बहुत ही अच्छी बोट बन सकती है, वन कश्ती। पिंकी ने अपना आइडिया सबको सुनाया तो सब बहुत खुश हुए। फिर अब्बू ने वन कुल्हाड़ी ली और दरख्त को काटना शुरू कर दिया और यूं वन लकड़ी का टुकड़ा अब्बू को मिल गया। फिर अब्बू ने वन हथौड़ी ली और कश्ती बनाने लगे। यूं थोड़ी ही मेहनत के बाद बहुत ही अच्छी कश्ती बन गई और फिर अब्बू ने वन पत्ता लिया और कश्ती मुकम्मल हो गई। फिर सब बैठे कश्ती में और अब्बू भी सवार हो गए और यूं कश्ती नीले नीले समंदर से होती हुई शहर की जानिब तैरने लगी। कैसी लग रही है आपको कहानी। भाई मुझे तो बरकू की हरकतें देखकर बहुत मजा आ रहा है और पिंकी के अब्बू की बोट कितनी प्यारी थी, है ना। हमने बहुत सारी चीजें देखी जो सब वन थी। वन यानी एक। आए चल के वो चीजें दोबारा देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा वन जो कि ऐसा दिखता है। हमने बहुत सी वन चीजें देखी जैसे कि वन घर, वन अब्बू, वन अम्मी, वन बड़कू, वन कपकेक, वन बर्गर, वन दरख, वन मछली, वन हथौड़ी, वन कश्ती। पिंकी पार्क में जा रही थी कि अचानक उसके पांव कीचड़ में आ गए। सारे पांव गंदे हो गए। अब जब पिंकी आगे चली तो नीचे 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 और ये वन बन गया। और अब जोजो भी आपको वन लिखना सिखाएगा। ऊपर से शुरू करें फिर नीचे नीचे नीचे, ये वन बन गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। कहानी खत्म। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं। अभी तो हमने मिलके बहुत सारी गेम्स खेलनी है। क्या आपको याद है कि बरखू ने कहानी में क्या क्या खाया था। इस स्क्रीन पर देखकर बताएं कि बरखू ने इनमें से कौन सी चीज खाई थी। क्या उसने गाड़ी खाई थी, क्या उसने घर खाया था, क्या उसने आइसक्रीम खाई थी। ओ हाँ, उसने आइसक्रीम खाई थी। शाबाश। अच्छा, अब अगली स्क्रीन पर देखकर बताएं कि इनमें से कौन सी शक्ल नंबर वन की है।
क्या ये है नंबर वन की शक्ल? नहीं तो क्या ये है नंबर वन की शक्ल? नहीं। हाँ बिल्कुल सही, ये है नंबर वन की शक्ल। अरे वाह, आप लोग तो बहुत जल्दी सीख रहे हैं। अगली स्क्रीन पर कुछ चीजें हैं, और से देखकर बताएं कि इनमें से कौन सी चीज की शक्ल नंबर वन के जैसी है। क्या इस फुटबॉल की शक्ल मिलती है नंबर वन से? नहीं तो क्या इस रोप की शक्ल मिलती है नंबर वन से? नहीं। ये देखें बैट, ये लग रहा है नंबर वन की तरह। जबरदस्त, कितने मजे की एक्सरसाइज थी। वैसे एक बात तो है, इस सब के बाद तो बरखू को समझ आ ही जाना चाहिए कि इतना ढेर सारा खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए। भाई मुझे तो खाने में दाल चावल के साथ गाजर का अचार और शामी कबाब बहुत पसंद है। अच्छा एक बात बताऊं, इस अगली गेम में बहुत मजेदार खाने की चीजें हैं। इस स्क्रीन पर कौन सी चीज सिर्फ वन है? बनाना, क्यूकम्बर, टोमेटो। जी हाँ टोमेटो, एक्सेलेंट। चलो बच्चों अब हम गेम्स खेलते हैं। क्या आप नंबर वन ट्रेस कर सकते हैं? शाबाश, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितनी दफा दोहराएंगे उतना अच्छा याद होगा। मजा आया बच्चों? मुझे तो बहुत मजा आया। अब हम दूसरी गेम खेलते हैं। तो बच्चों इसमें आपने वन एप्पल चूज करना है और जग में डालना है। शाबाश, अब इसको यहाँ जग में डाल देते हैं। अब एक और डालते हैं और ये लें, मजेदार जूस तैयार हो गया। याद रखें एक टाइम पर एक ही एप्पल जग में डाल सकते हैं। गुड जॉब। अब हम आखिरी गेम की तरफ चलते हैं। ओहो बंटी तो काफी मुश्किल में है, चलो इसकी मदद करें। यहाँ पर नंबर वन पर क्लिक करना है ताकि हम बंटी को मॉन्स्टर से बचा सकें। वन वन वन, गुड जॉब। चले बंटी को तो हमने बचा लिया। तो बच्चों क्या आपको नंबर वन सीखने का मजा आया? मुझे तो आप लोगों के साथ खेल के बहुत मजा आया। इतनी दिलचस्प बातें करके तो प्रोग्राम खत्म करने का दिल ही नहीं चाह रहा, लेकिन अगली बार मैं आपके लिए इससे भी ज्यादा अच्छी गेम्स और कहानियां लेकर आऊंगी। तो आज का लेसन याद रखना। जाने से पहले आपको एक और एक्टिविटी बताती हूँ जो आप घर पे बैठ के आसानी से कर सकते हैं। क्या आप अपने आप को शीशे में देख के बता सकते हैं कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट सिर्फ वन है? चलें पहला आंसर मैं आपको दे देती हूँ। नोज। हमारी बॉडी में सिर्फ वन नोज है। अब बाकी आपने खुद बताने हैं। अपने आंसर्स अपने घर वालों के साथ शेयर करें और अपने पेरेंट्स से कहें कि हमें इस नंबर पे मैसेज कर दें। चलें अब मैं चलती हूँ। आपको और आपके घर वालों को ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। प्रेजेंटेड बाय तालीमाबाद।